माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आपका स्वागत है। कहते हैं कि कच्ची मिट्टी का मटका यह तन, रूह भरा है पानी, कौन बहाने टूटे मटका, बूंद बूंद बह जाए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस मंत्र को पूरी तरह से समझ लें कि चाहे आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं या आप अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं या आप चिंता, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से निजात पाना चाहते हैं, इन सब के लिए आपको अपने विचारों का स्वामी बनना पड़ेगा। और विचारों का स्वामी बनने का एक ही तरीका है, अपने माइंड को मास्टर करना। और माइंड को मास्टर करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन या ध्यान है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि हजारों लड़ाइयों को जीतने से बेहतर है कि आप अपने माइंड को जीतें और आप अपने मन के स्वामी बने, क्योंकि जब आप ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आराम से बैठ जाएं, आप चाहें तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं। यह ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी रहे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। माइंडफुलनेस का अर्थ है अलर्ट होना या जागना। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपके शरीर का तनाव बिल्कुल बाहर जा रहा है। हर अंदर आती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है, और साथ ही साथ ये महसूस करें कि हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर को और आपके मन को और अधिक हल्का कर रही है। पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें और अपने मन को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। आज का समय अपने अंदर की यात्रा करने का है। आपने बहुत विचारों की गुलामी कर ली, क्रोध के गुलाम बने, वासना के गुलाम बने, चिंताओं परेशानियों के गुलाम बने, लेकिन आज ये वक्त है कि आप अपने अंदर की यात्रा करके इन सब के मास्टर बने या इन सब के स्वामी बने। इस ध्यान को हम तीन चरण में करेंगे। पहले चरण में हम अपने शरीर के साक्षी बनेंगे, दूसरे चरण में हम अपने मन को देखेंगे, और तीसरे चरण में हम धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। अब आप अपनी चेतना को अपने सिर और चेहरे के हिस्से पे ले जाएं। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ चेहरे को और सिर को पूरी तरह से रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें।
सिर के अंदर एक गर्माहट का अनुभव करें। यू आर फीलिंग अ वार्म सेंसेशन इन योर फेस एंड योर हेड। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। गर्दन की मांसपेशियों को देखें और ढीला छोड़ें। दोनों कंधों और दोनों हाथों को देखना शुरू करें अपने मन की आंखों से। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। कंधे और हाथों का तनाव पूरी तरह से बाहर जा रहा है। और अब जब आपके कंधे, आपका गर्दन, आपका सिर और आपके हाथ रिलैक्स्ड हो चुके हैं, आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। शांत होने लगा है। छाती और पेट के साक्षी बने। वहां मौजूद अनावश्यक तनाव को, टेंशन को रिलीज करिए। पीठ के साक्षी बने। पीठ की मांसपेशियों को महसूस करें, उसको अपने मन की आंखों से देखें। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ पूरी तरह से पीठ की मांसपेशियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। और अब आप अपने कूल्हों और अपने जांघ की मांसपेशियों को उसी तरह से ढीला करें और रिलैक्स करें। आज का ये समय है खुद को जानने का। ये समय है खुद के स्वामी बनने का। पैर की मांसपेशियां, पैर की उंगलियां, वहां की हड्डियां, उन सब को ढीला छोड़ें और विश्राम करने दें। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहें। जहां कहीं भी तनाव आए उसको देखें, उसके साक्षी बने और उसको रिलैक्स करें। उस तनाव को बाहर जाने दें। पूरे शरीर के और मन के दृष्टा बने। अब आप अपनी चेतना को शरीर के साथ साथ अपनी सांसों के ऊपर भी लगाएं। महसूस करिए कि अंदर आने वाली सांस ठंडी है और बाहर जाने वाली वायु गर्म है। सांस की हर गतिविधियों को एक दृष्टा भाव से देखना शुरू करें। क्या आपके सांस की गति
तेज है या धीमी है? क्या सांस के साथ आपके छाती में कोई हलचल हो रही है? क्या आप ये महसूस कर सकते हैं कि हर अंदर आने वाली सांस के साथ आपका पेट फूल रहा है और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ आपका पेट अंदर जा रहा है? जो कुछ भी हो रहा है, एक दृष्टा भाव से उसको देखते रहें, उसको देखते रहें। अपनी चेतना को वापस अपने शरीर पे ले जाएं। अगर कोई हिस्सा या कोई भी अंग तनाव उत्पन्न करता है तो उसको देखें और उसके साक्षी बने और उसके साथ साथ आप अपने सांसों को भी ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें। हाँ, मैं ये जानता हूं कि मैं सांस अंदर ले रहा हूं और हाँ, मैं ये जानता हूं कि मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं। मैं एक दृष्टा हूं। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने ध्यान किया, आपको ध्यान करके क्या मिला? और बुद्ध कहते हैं, कुछ भी तो नहीं। हां, लेकिन मैंने क्रोध को, चिंता को, डिप्रेशन को और डर को हमेशा के लिए खो दिया। पूरे शरीर को एक दृष्टा भाव से देखना है और अपने सांसों के और उसके साथ साथ अपने सांसों को देखते जाना है। इसके साथ साथ अपने आसपास की आवाजों को भी सुनना शुरू करें। हो सकता है दूर से कहीं किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। उसको एक दृष्टा भाव से देखते जाना है और मन ही मन ये इंटेंशन रखनी है, ये भावना रखना है कि मुझे सब स्वीकार है। ध्यान का एक ही मतलब है, दृष्टा हो जाना। कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। और अब जब आप अपने शरीर को देख रहे हैं, उसके अंदर उठने वाली संवेदनाओं को एक साक्षी भाव से देख रहे हैं और उसके साथ साथ जब आप अपनी सांसों को भी देख रहे हैं, सांसों की गति को महसूस कर रहे हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। अब जब आप आसपास की आवाजों को, दूर दूर की आवाजों को भी एक साक्षी भाव के साथ सुनने लगे हैं, अब आप अपने मन की हलचल को भी महसूस कर सकते हैं। शरीर, सांस और आवाजों के अलावा अब आप अपने माइंड को या अपने मन को देखना शुरू करें।
आपके मन में क्या क्या विचार है। ध्यान रहे जिस तरह से आप अपने सांसों के साक्षी बने, आप अपने शरीर के साक्षी बने, उसी तरह से अब आपको अपने विचारों को भी एक दृष्टा भाव के साथ, एक साक्षी भाव के साथ देखते जाना है। ये स्मरण रखना है कि ये विचार तो हैं, लेकिन विचार आप नहीं हैं। ये विचार आपसे अलग है। जो भी विचार आपके मन में है उसको आप देखते जाएं। अच्छे बुरे, किसी से बदला लेना है, कल कोई काम करना है, अरे यहां तो मैंने कोई गलती कर दी, जो भी विचार आपके मन में चल रहा है बस उसको एक साक्षी भाव की तरह देखते चले जाएं। शरीर और श्वास के साथ साथ आप अपने विचारों के भी दृष्टा बने। जिस तरह से जल किसी भी चीज का प्रतिबिंब हमें दिखाता है, उसी तरह से अपने मन को एक आईना की तरह बना लें। जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें, उनसे कोई हट ना करें, उनसे कोई लड़ाई ना करें, वो आएंगी और वो चली जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको देखते जाना है, उनका एक दृष्टा बनना है। मैं अपने शरीर को देख सकता हूं, मैं अपने श्वास को भी देख सकता हूं, और आज मैं अपने विचारों का भी दृष्टा हूं। I am just a witness to my thoughts. Just observe your thoughts. Thoughts are coming and going, but you are a witness. Thoughts are coming and thoughts are going. You are nothing but a witness. और अब ये समय है वापस आने का। आसपास की आवाजों को फिर से सुनना शुरू करें। शरीर को महसूस करना शुरू करें। शरीर को थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं। ये महसूस करिए कि आपका वजन इस कुर्सी ने या जमीन ने ही उठा रखा है। और अब धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। महसूस करिए
कि आप कितना शांत है। महसूस करिए कि आप कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान इस धरती की संजीवनी है और हर किसी को ध्यान जरूर करना चाहिए। One day, you will be just a memory of some people. Do you the best to be good one. Be with someone who is good for your mental health. The best revenge is to improve yourself. The secret of being the happiness aspecting where you are in the life and making most out of every day. Remembering a wrong is like carrying a burden on the mind. Respect is the earned honesty and appreciate. Trust is the guidance. Lemon tree is written. Knowledge will give you the power, but character will give you respect. Those who judge will never understand, and those who understand will never judge. The sand with asked, what is the anger? To give a beautiful answer, it is the punishment. We will give ourselves a somebody else's mistake. Helping upwards one person's mind, not change the world. But it is could change the world for one person. The first rule of kindness, is to be kind to yourself.
Life is like a book. Some chapters sad, some happy, and some existing. But if you never turn the page, you never know the next chapter. Be gentle with yourself. You are doing the best you can. Do not throw the people, through the feeling, the change will time. Throw the people's who feeling the remain same. When the time change, even. Life is a source greater teaches that when you do not learn a lesson, it will respect it. When you wish good for others, good things come back to you. This is a law of nature. You define your own life. Do not let people write your script. I have no time to bait his ego and small mind. Maybe some camp food is good for your mental health. We walk all together, but a spiritual journey, it walk alone. Distant joys does not separate people, silent that. Hate friends believe in remote, real friends believe in you. Well, that you are only repairing what you already know, but if you silent, you may learn something new. Dalai Lama. Be where you are, otherwise you will your life. Patience is not only the ability to wait, it is the ability to keep a good attitude while waiting. Learn to work alone, it will make you stronger. The best apology is the change behavior. Keep calm, be calm, nothing lasts forever. If you cannot handle street, you can handle success. Do not force someone to make time for you. If they really want to, they will. Never show your weakness to the world, because the world is much interested to play with it. Believe what your heart tells you, not what others say. Do it now, something later, become never. Silence is better than the unnecessary dharma. When it over, you do not continue what you think and diploma. Dead flower.
A clear rejection is the always better than a fake promise. Never be controlled by three things. First, your past. Second is money. Three, people. Respect is like a mirror. The more of you show to the other people, the more it will reflect back on you. I do not fix my problem. I fix my thinking. The problem fix themselves. Beautiful thing happen when you distance yourself from a negative. Do not depend too much on anyone in this world, because even your own shadow leave you the darkness. Hardness is the patient to do. Wait for right moment. When you are wrong, admit it. When you are right, be quiet. Make sure you love yourself before you start to love someone else. Your problem is not the problem. Your reaction is the problem. Drop by drop, it is water, what filled. Like wise, the wise man. The getting is little by little. He'll be himself forever. What people think about you is not important. What you think about yourself means everything. It only to take a few seconds for the heart someone. But sometimes it takes you to repair to the damage. Be with someone who is proud to have you. Faith and prayer both are the invisible, but they make impossible things possible. When you stop trying to change others, but work changing yourself, you were changed for the better. Everybody has their own strength. So be kind. Some do not understand that must die, but do. Who have realized these rituals and their career? The past is in your head, the future in your hand. Love all truth, everything is real, but not everyone is true. Everybody has their own strengths, so be kind. Nothing for if you think you are right for the time. Namo Buddhaya. The whole thing from the Buddhism. Now today's sessions. How to get the meditations and
is the Buddha Court has welcome you from Dr. Sachidanand Phulekar from Tumsar Father House. Namo Buddhaya. Sadhu, Sadhu, Sadhu. Our dear God, the love to everybody. Love is love. You love everywhere. You love all the things. You love animal. You respect animal. You respect the plantations, the tree, the beautiful. If you love the tree will love to you. If you love your parent, parent give return love to you. If you love your wife, the wife will give return to you. If you love your child, they also give return. Every man will give return to you. If you give love to everybody, the man will give the return to everybody, everything. Love everyone. Love all the things. Love is everywhere. So thank you. Good morning, good day. Have a nice day. With a meditation, with a kuta. Namo Buddhaya. Sadhu, sadhu, sadhu.